सब्सक्राइब करें डॉक्टर शहबाज संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। और मैं हूँ डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के मन के एक सवाल के बारे में, उसका जवाब देने वाला हूँ। वो सवाल जो है उसे सुनिए पहले। सवाल यह है कि क्या ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल जो बड़ा फेमस हो गया है या फेमस बनाया गया है या पता नहीं जो भी तरीके से है, वो क्या वाकई में आपके चेहरे के लिए, आपकी स्किन की त्वचा के लिए और शरीर की बाकी त्वचा के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या है ऑलिव ऑयल का फंडा और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल कुछ करता भी है या नहीं करता, या कुछ फायदा होता भी है या नुकसान है। फायदा है तो किसे है, किस तरह के स्किन टाइप में है, नुकसान है तो किसे है, किस तरह के स्किन टाइप में है, फायदा है तो क्यों है, किस केमिकल कंपोजिशन की वजह से है और नुकसान किस किस कंडीशन में होता है, क्या करता है ऑलिव ऑयल। चलिए मिस्ट्री इसकी सुलझाते हैं और ऑलिव ऑयल के बारे में जानते हैं। तो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल ज़्यादातर प्रोडक्शन का जो एरिया है राजस्थान के आसपास के इलाकों में रहा है। आप मैंने बहुत इस बारे में गूगल करा, मैंने विकिपीडिया पे देखा, मुझे बात समझ में आई कि ये एक ऐसी जगह पे उग रहा है, ये प्लांट ही ऐसी जगह पे है जहाँ पर सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत कम है। तो जहाँ पानी कम है और सॉइल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हीटेड एक्स्ट्रा हीटेड जोन में ये प्लांट होता है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देता है। पाया इसमें जाता है बहुत सारे फैटी एसिड्स और इसमें एक सिक्वेलिन नाम का कंपोनेंट होता है। ये सिक्वेलिन जो है जादूगर है, ऐसा नेट पे आपको कंटेंट मिलेंगे और ऐसा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स बताए या अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर किए कि वीडियोस के माध्यम के कि हमने ये रिसर्च की, हमने वो रिसर्च की और हमें ये पता चला कि ऑलिव ऑयल बहुत बड़ा जादूगर है और ऑलिव ऑयल से आपके मतलब जैतून के तेल से आपके स्किन में कुछ बहुत अच्छा जादू होता है। मैंने भी रिसर्च की, मुझे भी समझ में आया कि कुछ इस बारे में बात करनी चाहिए और एक स्किन क्लिनिक होने के नाते, ब्यूटी क्लिनिक होने के नाते हमने इस बारे में बहुत सारी बातों पे को ध्यान से समझने की कोशिश की। तो हमें पता चला कि ऑलिव ऑयल कुछ एक स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है और कुछ एक स्किन टाइप के लिए बिल्कुल नहीं। और ऑलिव ऑयल के बारे में आगे बात करने से पहले मैं एक बारे में बात जरूर करूंगा कि घरेलू नुस्खों के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं और हमें अच्छा लगता है कि यदि कोई चीज़ सस्ती और घर पे मिल जाए तो हम उसे यूज़ करें और उसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो रहता नहीं है हमारे पास या मेडिकल साइंस का भी कोई प्रमाण तो रहता नहीं, पर यदि उससे कोई रिजल्ट मिल जाता है तो हमें बहुत बड़ा फख्र होता है और अच्छी बात होना भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमें घर में मिल गई, बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। और ज़्यादातर लोग दवाइयों पे ना जाके या दवाइयों के बारे में डिस्कस ना करके या दवाई डॉक्टर से बात ना करके कोशिश करते हैं कि इसी तरह के कोई नुस्खों से हमारा इलाज हो जाए या हम इस तरह की चीज़ों को घर पे आसानी से पा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं स्किन पे ग्लो लाने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, और कुछ लोगों में वो कारगर होते भी हैं, कुछ लोगों में नहीं होते, कुछ लोगों में बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन साइंटिफिक प्रमाण ऐसा दिखता नहीं है कि किस वजह से हुआ होगा।
क्योंकि उसकी स्टडी नहीं हुई होती। अब यहाँ पे भी यही बात लागू होती है जो ऑलिव ऑयल के लिए लागू होती है। ज़्यादातर हम लोग जो नुस्खे यूज़ करते हैं घर में घरेलू चीज़ों में, उसकी कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास होते नहीं, लेकिन कुछ लोगों में जिसका फ़ायदा हुआ रहता है वो इसे बहुत अच्छे से बता के बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और कुछ लोगों में जिसमें इसका नुकसान हुआ होता है या कुछ में जिसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता वो इस बारे में कुछ भी बोलने से हिचकते हैं या अपना कोई प्रमाण या अपनी कोई बात नहीं रखते हैं। ऑलिव ऑयल के केस में मैंने पाया कि 4 प्रकार के ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल उपलब्ध है। एक प्रीमियम क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, बेस्ट क्वालिटी ऑलिव ऑयल आता है। पहले ऑलिव ऑयल के बारे में बातें कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं कि किस तरह के यूजेस इसके होने चाहिए और मैं अपना ओपिनियन भी उस पर रखूंगा। दूसरा जो वेराइटी है वो है सेकेंड ग्रेड ऑलिव ऑयल की, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक प्रीमियम क्वालिटी ऑलिव ऑयल और एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव, एक उससे नीचे ग्रेड का नॉर्मल स्मॉल वर्जिन और एक फिर वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी आती है। बहुत सारे फिनॉल इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, फिनॉल का कोड़ा कंटेंट होता है और सिक्वेलिन एक कंपोनेंट जो मैंने बताया था केमिकल कंपोनेंट वो होता है, काफ़ी अच्छा कंपोनेंट माना गया है। कर क्या रहा है ये ऑलिव ऑयल लगाते हैं? तो ऑलिव ऑयल को लगाने के देखो कोई ऐसे स्पेशल मेथड्स तो नहीं दिए गए, जितना मैंने सर्च किया कि और मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं मिले। हाँ, एक बहुत बेसिक मेथड जो सिंपल तरीका है जो बचपन से हमने देखते आए हैं और पुराने समय में भी यूज़ होता था कि कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की आपने ले ली और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस 1-2 ड्रॉप डाल दिया और उसे आप अपने चेहरे पे लगा लें। कौन लगाएगा इसे और इससे क्या फायदा होगा? स्टडी तो ना मुझे नहीं दिखी कहीं भी कि किसी रिसर्च पेपर में ऐसा आया होगा कि ऑलिव ऑयल लगाने से फायदा ही होगा, लेकिन बाकी केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने से बेहतर है कि आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है वो बड़ी अच्छी है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो एज ए मॉइस्चराइजर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं पहली बार, और आपको दूसरा बाहर से मॉइस्चराइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन ऑयल जो है वही जो प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन ऑयल है वही बेस्ट क्वालिटी है, उसे ही यूज़ करें क्योंकि ये रिफाइंड होता है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। लो कैटेगरीज में जैसे जैसे जाते हैं और प्राइजेस भी डिफरेंसेस हैं तो इसका जो रेट है वो आपको कम रेट में जो है क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी जो होती है वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा प्रीमियम वर्जिन ऑलिव ऑयल वो आप यूज़ करें। 4-5 ड्रॉप्स आपने लिया और 1-2 बूंद आपने इसमें नींबू का रस डाला, लेमन जूस, और फिर आप उसे अप्लाई कर लीजिए। 15-20 मिनट से लेके आधे घंटे का टाइम आपको लग सकता है ये एब्जॉर्ब होने में। आपकी स्किन जैसे ही इसे एब्जॉर्ब करती है आपको कुछ समय के बाद रिजल्ट फील हो सकता है, लेकिन उन लोगों में जिनकी स्किन में पिंपल्स हैं या एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं या रिकरेंट एक्ने हैं उनके लिए ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। वो इस तरह से क्योंकि ऑलिव ऑयल की कुछ स्टडीज़ में या कुछ लिटरेचर में मैंने पाया कि ये स्किन के पोर्स को क्लॉक करता है, स्किन के पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, सीबम ब्लॉक हो सकता है। सीबम एक ऐसा मटीरियल है जो आपके स्किन में सीबेसियस ग्लैंड जो आपके हेयर फॉलिकल होते हैं स्किन में जहां बाल उगते हैं, बालों के साइड में एक ग्रंथि होती है जिसे सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, और इससे निकलने वाला एक मॉइस्चराइजर है जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर निकलने में ब्लॉक होता है जब हमारी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाएं डेड स्किन की वजह से, डेड स्किन क्लीन अप नहीं होती जब आपके फेस से तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर मॉइस्चराइजेशन जो है स्किन का बंद हो जाता है एंड स्किन बिकम्स ड्राई। तो ऑलिव ऑयल
उन स्किन के टाइप के लिए ठीक नहीं है जहाँ पे एक्ने बहुत ज़्यादा है। तो जिनको एक्ने ज़्यादा हैं वो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल यूज़ ना करें, उनके लिए ज़्यादा स्थिति भयानक हो सकती है और एक्ने बढ़ सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है जिनके फेस में एक्ने बिल्कुल नहीं है या बहुत कम इक्का दुक्का ही मिलते हैं। अब ऑलिव ऑयल और क्या करता है, तो इट हाइड्रेट्स द स्किन, स्किन के को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। एंड स्किन में एक बहुत बड़ा फैक्ट जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो है कि पिगमेंटेशन को लेकर भी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी कि ऑलिव ऑयल आपके चेहरे के निखार को बढ़ाएगा और पिगमेंटेशन कम करेगा, यानी मेलाज़मा, और इसके लिए आप डिस्कशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। बिल्कुल भी इसका कोई इफेक्ट मेलानिन पे नहीं होता। जो पिगमेंट आपके स्किन को फेयर होने के लिए उत्तरदायी है या स्किन के कलर को डार्क करने के लिए उत्तरदायी है, दोनों, यदि मेलानिन कम है तो स्किन फेयर होगी, मेलानिन ज़्यादा है तो स्किन डार्क होगी, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव होता है। आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, स्किन आपकी सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है बिकॉज ऑफ मेलानिन, और मेलानिन मेलानिन पे मेलानोसाइट्स में बनता है, मेलानोसाइट्स मेलानिन को सीक्रेट करती हैं, पिगमेंट बढ़ने की वजह से स्किन डार्क हो जाती है। तो ये बोलना कि मेलानिन पे इसका इफेक्ट है ये गलत है सरासर। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो बहुत आसानी से इस बात को कर जाते हैं कि क्योंकि कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च पेपर इसका अवेलेबल नहीं है, तो बीइंग अ डॉक्टर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये बताऊं, आंखें खोलूं कि इसका पिगमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और स्किन टाइप अलग अलग पे ये चेंज हो जाएगा, मॉइस्ट स्किन है तो इसे यूज़ नहीं करना है, ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। हाँ, मॉइस्ट स्किन में आप 1 से 2 ड्रॉप लेकर आप लगा सकते हैं, तो मॉइस्ट स्किन तो ऑलरेडी वैसे ही अच्छी स्किन होती है इन कंपेरिजन विथ ड्राई स्किन। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब प्रैक्टिकली अभी तक मुझे देखने को नहीं आया। कुछ स्किन टाइप्स में मैंने देखा है कि ऑलिव ऑयल का इफेक्टिवनेस इतना है कि उन लोगों ने जिन्होंने ये इस तरह के ऑलिव ऑयल को यूज़ किया था इस तरीके से, उनके पिगमेंटेशन तो नहीं आया उनके फेस में, और स्किन का जो टाइप है मतलब मॉइस्चर कंटेंट है बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ जगह स्टडीज में मैंने देखा जहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडीज तो ना बोलूँगा उसे, लिखा हुआ है या बहुत सारे लिटरेचर्स में लिखा हुआ है कि ये आपके फेस के स्किन को थोड़ा अच्छा कलर देता है। तो जो मैंने प्रैक्टिकली मैं बोलूँ मैंने नहीं पाया, लेकिन जिन लोगों ने यूज़ किया था उनमें से कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी मिली। अभी भी थोड़ी देर पहले वीडियो शूट करने के पहले मैंने एक पेशेंट को देखा और वो स्किन टाइप बहुत अच्छा था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, सर आई एम यूजिंग ओनली ऑलिव ऑयल। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं इस तरह के, ये बताते हैं कि क्या इस तरह के कंटेंट जो हम घर पे यूज करते हैं डेली वो ठीक हैं या नहीं है। तो ऑलिव ऑयल ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, एज ए मॉइस्चराइजर आप इसे यूज कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को फेयर कर सकता है ऐसा लिटरेचर्स बोलते हैं। अभी तक जितने लोगों को मैंने देखा, मैंने ऑयली ऑयल यूज करने वाले वो ड्राई स्किन वाले ही लोग थे या जो मॉइस्चर कंटेंट जिनके स्किन में कम था, तो वो उनके स्किन में पिंपल्स नहीं आए थे, तो एक तरह से बोला जा सकता है। पर गारंटी के साथ बोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि बिना आपने किसी तरह के रिसर्च पेपर के आपने उसे बोल दिया। और ऑलिव ऑयल की कुछ खासियत में से एक बहुत अच्छी खासियत पिगमेंटेशन को लेकर बोला गया है, और दूसरा बोला गया है ये टैनिंग को थोड़ा सा रोकता है, सनबर्न को थोड़ा कम करता है ऐसा बोला गया है। बट बात वहीं आके रुक जाती है कि किसी भी तरह की मेडिकल स्टडी या किसी भी तरह की फार्मास्यूटिकल लेवल की स्टडी या किसी भी तरह की
ऐसी स्टडी जो ये बताए कि कंफर्मेशन है बिल्कुल कि ये पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन उसकी वजह से ही ऑलिव ऑयल इफेक्टिव होता है। अलग अलग स्किन टाइप्स होते हैं तो अलग अलग, और अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हैं, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है, और जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो वो उसकी बढ़ा चढ़ा कर बताता है, और जिसका एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो वो उसे बेकार बता देता है। अब आप मानेंगे किसे? क्या केवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेडिकल साइंस या किसी एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपने फेस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो केवल मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल ड्राई स्किन टाइप्स और कुछ ऐसी स्किन टाइप जिनमें बिल्कुल पिंपल्स नहीं है वो यूज़ करें तो आपके पिंपल्स नहीं आएंगे, स्किन का मॉइस्चर अच्छा बना रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट, और स्किन हेल्दी रहेगी। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि जिनमें जिनके फेस में पिंपल नहीं है वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और मेथड कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। 5 to 6 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल ले लीजिए, और थोड़ा सा एक से दो बूंद आप उसमें नींबू का रस डाल दीजिए, और जस्ट अप्लाई एंड वेट फॉर 15 to 30 मिनट्स ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, बस इतना करना है। तो आशा है ये वीडियो ऑलिव ऑयल को लेकर आपके मिथक को हटाएगा, और कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस जगह यूज़ करना है, क्या प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, ये थोड़ा आपके माइंड को क्लियर करेगा। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको पसंद आएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइएगा कि किस तरह के वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद किस तरह के थॉट आपके दिमाग में आते हैं ऑलिव ऑयल को लेकर, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।